नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते यानी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने शनिवार यानी 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिश कालीन 3 अपराध कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शनिवार को बैठक बुलाएंगे, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ नेता भाग ले सकते हैं। इस समय संसद में 37 विधेयक लंबित हैं, जिनमें से 12 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है और 7 विधेयक पेश किए जाने चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। और इस दौरान अब बात आती है सरकार में साल 2023 से 24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी पेश की योजना बनाई गई है, पेश करने की योजना बनाई गई है। इसी सत्र में महुआ मोइत्रा को इस दौरान निष्कासित किए जाने पर भी चर्चा है। सरकार ने साल 2023-2024 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी पेश करने की योजना बनाई है। इसी सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति की उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश तभी प्रभाव में आ सकती है जब सदन रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में लंबित है। इसे मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने विपक्षी सदस्यों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में इसे पारित करने पर जोर नहीं दिया था। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समान करने वाले प्रावधान प्रस्तावित किए गए। इस समय वे उच्च न्यायालय और एक न्यायाधीश का दर्जा रखते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर सर्वदलीय बैठक किसी भी सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले 3 दिसंबर को 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में वोटों की गिनती होगी, जिसकी वजह से बैठक 2 दिसंबर को बुलाई जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर शीतकालीन सत्र पर भी दिखेगा, क्योंकि सरकार इस सत्र में कुछ अहम बिलों को पास कराएगी।